वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। मैंने नोटिस किया है इन माय करियर कि जो बच्चे हैं मैथ से बहुत डरते हैं, तो मैंने रिसर्च किया, एनालिसिस किया कि मैंने जाना कि बच्चे डरते क्यों हैं, डर का कारण क्या और डर को कैसे दूर किया जाए। तो ये बच्चे मैथ से डरते हैं क्योंकि बच्चों का जो बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज है वो क्लियर नहीं होता। फिर क्या होता है, शिक्षक मेहनत करते जाते हैं, बच्चा खूब कोशिश करता है समझने की, मगर जब उसका ग्रास रूट लेवल का जो नॉलेज है वही क्लियर नहीं है तो उसके बाद बच्चा हताश हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, एक तरफा प्यार, शिक्षक खूब मेहनत करते हैं मगर बच्चों की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज तैयार की है। इसके अंतर्गत मैं बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करूंगा, जीरो से शुरू करेंगे। आज हम जीरो से शुरू करके हीरो तक की कहानी हमको तय करनी है। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये सिंपल चीज नहीं, दोस्तों ये सिंपल चीज नहीं है। बिलीव मी 80% स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए समस्याएं खड़ी होती है। तो समस्या को दूर करने के लिए मैंने एक छोटा सा विनम्र प्रयास किया है। तो हम शुरुआत करते हैं, आज हमारा पहला वीडियो है और वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बहुमूल्य तोहफा होगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करके हीरो तक का सफर हमको तय करना है। तो ये जो आज मैं पहला जो हमारा वीडियो, इसमें मैं बता रहा हूं जोड़ घटाव का नियम। एलजेब्रा से हम शुरू करते हैं, तो नियम है कि समान निशानी हो तो जोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याएं अगर धन है प्लस है तो दोनों का जोड़ होगा, दोनों माइनस है तो भी जोड़ होगा। वंस अगेन आई रिपीट, दो संख्याएं प्लस है तो भी उनका जोड़ होगा, दो संख्याएं माइनस है तो भी उनका जोड़ होगा, मगर एक संख्या प्लस और एक माइनस यानी निशानी जो साइन से डिफरेंट हो तो क्या होता है, सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। ओके और जोड़ घटाव के बाद जो उत्तर आता है उसके आगे हम बड़ी संख्या की निशानी लगाते हैं, यानी बड़ी संख्या प्लस होगी तो प्लस की निशानी, बड़ी संख्या माइनस होगी तो माइनस की निशानी। ओके नियम अपने दिमाग में लिख लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। 8x + 7x, अब देखिए दोस्तों मैंने यह भी देखा कि मैं इसको जब प्लस 8x कहूंगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 8 के इस तरफ तो कोई निशानी नहीं है। बच्चा बोलेगा 8 के आगे कोई, यहां पे कोई निशानी, तो आपने इसको प्लस कैसे कह दिया। तो लेट मी क्लेरिफाई यू दोस्तों, अगर मैंने x लिखा तो इसका मतलब हुआ ये प्लस x। ओके इसके आगे कोई निशानी नहीं आनी है, प्लस है, और x का मतलब हुआ 1x और उसकी पावर भी 1 होती है, ये भी दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो ये देखिए 8x प्लस है, 7x भी प्लस है, दोनों प्लस है, समान जात बिरादरी के, तो दोनों का जोड़ 8 और 7 15x प्लस 15x, बड़ी संख्या की निशानी। ओके दूसरा देखिए, देखिए यहां पे दोनों में y दिया है, और देखिए दोस्तों ये भी मैं बताऊं कि जोड़ घटाओ जो होता है समान जात बिरादरी वालों में होता है, यानी कि वेरिएबल्स जो चर हैं वो समान होंगे तो ही उनमें जोड़ घटाव होगा। जैसे कि इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, इसलिए इनके बीच में जोड़ या घटाव जो भी प्रक्रिया होगी वो होगी। अगर इसमें एक्स होता है इसमें वाई, तो इनके बीच जोड़ घटाव ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो देखिए 7y भी माइनस है, 9y भी माइनस है, दोनों की निशानी समान है, तो 7 and 9 16y, बड़ी संख्या की निशानी। ओके दूसरा देखिए, -15a + 7a, अब देखिए 15 क्या है आपका माइनस, 7a क्या है प्लस, तो यहां साइंस क्या होगा डिफरेंट, अलग अलग निशानी है, अलग अलग निशानी है तो होगा घटाओ, 15 में से 7 घट जाएगा 8a। अब प्रश्न खड़ा होता है कि मैं इसे प्लस 8 है लिखूं या माइनस, तो उसका मैंने आपको बताया है कि दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 15, 15 की निशानी क्या है माइनस, इसलिए ये क्या हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों वंस अगेन आई रिपीट कि ये माइनस है ये प्लस है, अलग अलग साइन है, इसलिए घटा हुआ 15 में से 7 घटा देंगे तो आएगा 8 है और उसके आगे बड़ी संख्या की निशानी। और देखिए दोस्तों 7x + 2y - 8x + 6y,
देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन जोड़ घटाव उनके बीच में ही होता है जिनके वेरिएबल्स यानी चर समान हो। वेरिएबल्स का भी मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो देखिए, एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, मगर ये प्लस है और ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो 8 में से 7 घट जाएगा एक्स, 1x, 1x लिखूं या एक्स, एक ही वस्तु होती है। अब 8 और 7 में कौन बड़ा है? 8, 8 की निशानी क्या है? माइनस, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस। ओके, अब देखिए, इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों के वेरिएबल्स चर समान है, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान निशानी, तो क्या होता है दोस्तों? जोड़, 6 + 2 = 8y। ओके, तो यहां पे जोड़ क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की जो साइन है वो सेम है, यानी अगर साइन सेम होगी तो होगा एडिशन यानी कि जोड़, और बड़ी संख्या की निशानी। ओके दोस्तों, आप नोटबुक लेके बैठिए, मैं दोस्तों आप लोगों से कहूंगा तो क्या होगा कि आपको ऐसा लगा जैसे आप लोग क्लासरूम में मेरे सामने पढ़ रहे हैं। ओके, आगे हम चलते दोस्तों, 9x - 8y + 5z - 7x + 2y - 8z। अब देखिए, मैं पहले आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। चर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स, यानी जिसकी वैल्यू में वेरिएशन आता रहता है, बदलाव आता रहता है। ओके, जैसे मैंने 7x लिखा तो इसमें 7 क्या है? अचर, और ये क्या है? चर, यानी इसको बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, इसमें इसको लेके भी बच्चों में कंफ्यूजन होता है, डोंट वरी, सब क्लियर कर दूंगा मैं। तो देखिए, यहां पे 7 क्या है? कांस्टेंट है, अचर है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, 7 की वैल्यू पूरी दुनिया में 7 ही होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं अचर। और एक्स है, इसकी वैल्यू में वेरिएशन आता रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, यहां पे 3 वेरिएबल्स वाला ये सम दिया है हमको, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू फाउंड आउट करनी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? देखिए, एक्स वाले पद का एक्स वाले पद के साथ ही सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा। ये 9x प्लस है, 7x माइनस है, प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, तो 9 में से 7 घटेगा तो आएगा +2x, बड़ी संख्या की निशानी। ओके, वाई वाले पद देखिए, एक ये है, एक ये है, फिर हमने देखा ये माइनस है, ये प्लस है, डिफरेंट साइन से, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, घटाओ, 8 में से 2 घट जाएगा -6y, बड़ी संख्या की निशानी। ओके, जेड वाले पद देखिए दोस्तों, 1 और 2, मैं फिर से कह दूं दोस्तों, एक्स वाले पद का एक्स वाले पद के साथ ही जोड़ घटाओ जो भी होगा वो होगा, वाई वाले पद का वाई वाले पद के साथ ही जोड़ घटाओ होगा। ओके, तो जेड इसमें है और जेड इसमें है, लेकिन ये प्लस ये माइनस अलग अलग साइन है, तो 8 में से 5 घटेगा 3z, और उसके आगे ये बड़ी संख्या की निशानी। एकदम सिंपल चीज है दोस्तों, खाली जो कंसेप्ट है जो उसका वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दूसरा देखिए, अब देखिए इसमें, अब देखिए इसमें जो पावर है उसको भी दिमाग में रखना है। देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म का एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ ही सब्ट्रैक्शन या एडिशन या जोड़ या घटाव होगा। जैसे इसमें एक्स की पावर 2 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, तो इनके बीच में जोड़ घटाव नहीं होगा। तो इसके साथ वाला पद ये दिखा हमको, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो 9x² + 7x² = 16x² + अब देखिए x वाले, देखिए ये 6x, ये माइनस है और ये प्लस है। ओके, डिफरेंट साइन है, अलग अलग निशानी है, तो क्या होगा? घटाओ, 6x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा? 0। -6x में से +6x ओमिट हो जाएगा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 को आपको दर्शाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये कांस्टेंट टर्म है, अचल पद है, 8 और ये 12, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 12 में से 8 घटेगा 4, बड़ी संख्या की निशानी। दिस इज अवर आंसर।
एकदम सिंपल चीजें हैं, मगर यही जब बच्चों को नहीं आता है तो बहुत ही तरह डिस्करेज हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। पर चिंता करने की बात नहीं है, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट कर देता हूं। सरल कीजिए, सेवन ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी माइनस सिक्स ए प्लस नाइन बी माइनस टू सी प्लस सेवन ए प्लस नाइन बी माइनस फाइव सी। अब ये जो वैल्यूज है ये हमको कहां दी गई है, ब्रैकेट में। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सरल करने के लिए हमको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। तो ब्रैकेट खोलना है तो अमुक चीजें ध्यान में रखिए कि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो बाहर जो साइन है उसका अंदर गुणा होगा। तो अगर माइनस की जो साइन बाहर है इसका अंदर गुणा होगा तो इन सब की जो निशानी है, जो साइन है, वो बदल जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि माइनस का अगर अंदर ब्रैकेट में गुणा होगा तो इन सब की जो निशानियां है वो बदल जाएगी। और यहां प्लस है, प्लस का अंदर गुणा होगा तो इनकी साइंस में, इनकी निशानियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी बात याद रखिए, माइनस इज ए विलन। माइनस जब भी किसी से लड़ता है सामने वाले की सकल सूरत बदल देता है। माइनस माइनस से लड़ेगा तो उसको प्लस बना देगा, माइनस प्लस से लड़ेगा तो उसको माइनस बना देगा। और प्लस क्या है, जेंटलमैन है, वो किसी की भी सकल सूरत पे कोई प्रभाव नहीं डालता, इतना दिमाग में रखिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, सेवन ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी माइनस सिक्स ए माइनस एन प्लस माइनस नाइन बी माइनस माइनस प्लस टू सी। अब यहां पे आया प्लस, मैंने कहा प्लस जेंटलमैन है, प्लस जेंटलमैन है तो इनकी साइंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेवन ए प्लस नाइन बी माइनस फाइव सी। ओके, अब आपको नियम के हिसाब से जो भी हो वो करना है। तो नियम में दोस्तों, ए वाले पद का ए वाले पद के साथ ही सबट्रैक्शन एडिशन होगा। ए वाले ढूंढिए, देखिए वन टू थ्री। अब देखिए सात और सात चौदह है, हुआ उसमें से माइनस सिक्स से घट जाएगा। फिर से देखिए, ये सेवन है और सेवन है दोनों प्लस है, सेवन एंड सेवन फोर्टीन, फोर्टीन में से सिक्स लेस हो जाएगा तो एट है। बी वाले पद देखिए, तो बी वाले पद में देखिए ये माइनस नाइन बी है, ये प्लस नाइन बी है, तो इसमें से ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, थ्री बी। सी वाले पद देखिए, सी वाले पदों में देखिए ये और ये माइनस है, पहले समान वालों को ढूंढिए, समान निशानी वाले को, तो माइनस फोर एंड फाइव माइनस नाइन सी और ये प्लस टू सी। देखिए माइनस फोर एंड फाइव माइनस नाइन, उसमें से प्लस टू लेस, सी लेस हो जाएगा तो माइनस सेवन सी। ओके, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, और एक मैं समझा देता हूं तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपको ये चीज सीख के ही आगे बढ़ना है। अब देखिए यहां पे भी हमको ब्रैकेट खोलना पड़ेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे, सेवन एक्स माइनस एट वाई प्लस फोर जेड, सॉरी अब यहां मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो बाहर माइनस दिया है तो माइनस सब की अंदर वालों की सकल सूरत बदल देगा, तो माइनस सेवन एक्स माइनस माइनस प्लस एट वाई माइनस माइनस प्लस नाइन जेड। ओके, यहां पे भी बाहर माइनस हो तो अंदर सबकी साइन बदल जाएगी, माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव वाई माइनस एंड माइनस प्लस टेन जेड। क्लियर, सबसे पहले एक्स वाले टर्म्स ढूंढिए, वन टू थ्री, ये सेवन एक्स प्लस है ये माइनस है तो इसमें से ऑलरेडी घट गया, क्या बचा, माइनस ट्वेल्व एक्स। वाई वाले पदों को ढूंढिए, देखिए ये माइनस एट वाई ये प्लस एट वाई, इसमें से लेस हो गया, क्या हो गया, माइनस फाइव वाई। जेड वाले पदों को ढूंढिए, तीन टर्म्स है जेड वाले, तीन पद है फोर जेड नाइन जेड टेन जेड, और तीनों की साइन सेम है, प्लस प्लस प्लस, सेम साइन है तो क्या होगा, एडिशन जोड़, चार और नौ तेरह और दस तेवीस जेड। ओके, तो ये आपको ख्याल में आ गया होगा दोस्तों।
तो मैंने यहां पे आपको जोड़ घटाव का नियम बताया है जो बहुत ही आसान है, जिसके आसान अब देखिए आप आज की बात क्या होगा दोस्तों, आपको जब भी आप अलजेब्रा सॉल्व करोगे तो इस तरह की जो बीच में जो चीजें आएगी उसके कारण आप बिल्कुल हताश नहीं होंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है एंड कंसेप्ट इज द पावर। अब आपको जीवन में तकलीफ होने वाली नहीं है। आपको करना क्या है, इसको देखिए, आगे वाले वीडियो को भी देखिए और सवाल सॉल्व कीजिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।